जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वह शुरू हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए, यहाँ पर जो है जीव विज्ञान की। तो यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो भी MPGL प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वह 9098609291 इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज करें तो आपके पास MPGL प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पहुंच जाएगी ग्रुप की। तो वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दी है। तो यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, यहीं पर आपके लिए स्टडी मटेरियल जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य जुड़ें और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यह आपके लिए आंसर बताना है। तो बताइए सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे, सभी लोग आ गए हैं, सभी लोगों को जय हिंद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। चार विकल्प हैं आपके सामने। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्या है, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, लैमार्क तथा ट्रेवरेनेस ने, आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। यहाँ पर देखिए कि आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने 1801 में ईस्वी में 1801 ईस्वी में किया था। और देखिए जीव विज्ञान के जनक, अब यहाँ पर आपसे जो है जनक पूछे हैं, जनक बताना है, जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है यहाँ पर बताइए। चार विकल्प हैं आपके सामने, जनक बताएं, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जीव विज्ञान के जनक का नाम किस नाम से जाने जाते हैं, तो अरस्तु, डार्विन या लैमार्क या पुरकिंजे। तो क्वेश्चन नंबर दो है यहाँ पर और इसका जो राइट आंसर होगा क्या है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, एक अरस्तु, अरस्तु आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जीव विज्ञान के जनक, यहाँ पर जनक पूछा है तो जनक माने जाते हैं अरस्तु जी, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं तो कौन कहलाते हैं। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग जो है विकल्प का चयन करें। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या थियोफ्रेस्टस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तीन का, और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर तीन का, वह विकल्प नंबर सी अरस्तु आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अरस्तु यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के भिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ है। उन्हें जीव विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है,
कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, तो शुभम जी, रविंद्र जी, आरती जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर है क्या है, विकल्प नंबर आपका राइट आंसर है ए। बिल्कुल सही, सभी लोग ए बता रहे हैं यहाँ पर, ए आपका राइट आंसर होगा। थियोफ्रास्टस आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही, सभी लोगों ने ए बताया है, राइट आंसर है थियोफ्रास्टस आपका राइट आंसर है। देखिए, बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। यह भी आपके लिए याद रखना है कि वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पादपों का अध्ययन इसमें किया जाता है। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? अरस्तु या थियोफ्रेस्टस या हिप्पोक्रेटस या गैलन, तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछेगा यह क्वेश्चन, तो भाई हम क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर के द्विवेदी जी, और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, सी आपका राइट आंसर होगा। हिप्पोक्रेटस आपका जो है राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सी आंसर बताया है। क्या है सी में? हिप्पोक्रेटस। यहाँ पर देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित है। यह भी आपके लिए याद रखना है। और यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए सभी लोग आंसर। कीर्तन जी, पूजा जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? रविंद्र जी की, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है, फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या ग्रीक। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है किस भाषा से हुई है? आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ग्रीक। ग्रीक आपका यहाँ पर सही आंसर है। डी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? ग्रीक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? घास, घास या फूस। यह आपके लिए याद रखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। शिवाजी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है तो क्या है, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या डार्विन? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, और इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी। बी में क्या है? थियोफ्रेस्टस आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। और देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमलियम जो पुस्तक है इसके लेखक बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका राइट आंसर? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या थियोफ्रेस्टस? तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं, दिलीप जी, नितिन जी। तो
तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 में आपका क्या है? अरस्तु। अरस्तु जी हैं इस पुस्तक के लेखक, आपके लिए याद रखना है अरस्तु आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ जो है दिलाई जाती है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का, तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर और इसका राइट आंसर बताना है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जो है दिलाई जाती है, तो आपका आंसर होगा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर और इसका सभी लोग आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर है, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर डी जिसने भी बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। देखिए हिप्पोक्रेट्स की शपथ ऐतिहासिक रूप से चिकित्सकों एवं चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। माना जाता है कि यह हिप्पोक्रेट्स द्वारा लिखी गई है, यह आयोनिक ग्रीक जो है ग्रीक में लिखा गया है, यह भी आपके लिए याद रखना है, ग्रीक में यह लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवनधारी के अध्ययन से है तो वह कौन सी विज्ञान है, आपके लिए यह बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का और 4 विकल्प आपके सामने है। तो बताइए भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है वह कहलाता है, वह कहलाती है, तो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर बताएंगे यहां पर क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 और इसका राइट आंसर यहां पर जो है वह है क्या है? विकल्प नंबर डी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आपका यहां पर राइट आंसर होगा, सभी लोगों का राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने बताया है कि वह विज्ञान जिसका जीवनधारी जो है के अध्ययन से संबंधित है वह विज्ञान, तो वह जीव विज्ञान। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीवन और जीवन के प्रतिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है, यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। अनूप जी क्या होगा इसका राइट आंसर कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का या परिस्थितिकी का या विषाणु का? तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं और सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताइए राइट आंसर सभी लोग। फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है किसका, आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, शैवाल का। शैवाल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पर शैवाल का। देखिए वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, तो 4 विकल्प है और क्वेश्चन नंबर 12 का आपके लिए आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सभी लोग बताएं, कीर्तन जी, शिवाजी, तो क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, और क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है, और इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, परिस्थितिकी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, इकोलॉजी।
विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सी जिन्होंने ही बताया है, सभी लोगों ने यहाँ पर सी बताया है अधिकतर, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। परिस्थितिकीय जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में जो है रहते हैं और परिस्थितिज्ञ इस तत्व का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं और वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना प्राप्त जो है उनका भी पता लगाते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे क्या होगा कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसको, फिनोलॉजी या फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या बॉटनी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताएं, चार विकल्प हैं आपके सामने। और फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, और यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। बी बहुत सारे लोगों ने बताया बिल्कुल सही, क्या है, फ्लोरिकल्चर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है फ्लोरिकल्चर, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम फ्यूज में इंस्टीट्यूट और के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल हैं इसमें। और यहाँ पर देखिए क्या है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है तो किससे है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 का राइट आंसर बताना है। तो शिवाजी, सविता जी इसका राइट आंसर बताना है, कांति जी क्या है इसका राइट आंसर, डेंड्रोलॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से या झाड़ियों के अध्ययन से, बी और सी दोनों। तो इस प्रकार आपके सामने विकल्प दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर बताएंगे, के द्विवेदी जी क्या है इसका राइट आंसर, डेंड्रोलॉजी का संबंध है तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी में क्या है, विकल्प नंबर डी में है बी और सी, बी और सी दोनों यानी कि वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से, यह आपके लिए याद रखना है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। डेंड्रोलॉजी को वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन इसमें जो है कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, और सभी लोग एक बार वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लें, लाइक बहुत कम लोग करते हैं यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग, और क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, बताइए, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर होगा वह क्या है, विकल्प नंबर एक, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी आपका राइट आंसर है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी आपके लिए याद रखना है, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसका अध्ययन किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 16, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो किसका किया जाता है, तो बताइए अस्थियों का या जीवाश्मों का या प्राइमेट्स का या पक्षियों का, तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 है। और 16 का यहां पर जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, बी बिल्कुल सही आंसर है, जीवाश्मों का आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। देखिए जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को
कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों को बताना है। भारत वायरल वीडियो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 की वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जो राइट आंसर होगा कि क्या है इसका राइट आंसर, वह आपका विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही शैलेंद्र जी, हॉर्टिकल्चर आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, डी आपका सही आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए, हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और क्या है, पौधों को उगाने से संबंधित उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो यह आपके लिए याद रखना है, हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रियाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी लोग बताएं यहां पर? जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है ए? तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, वह है क्या है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी, विकल्प नंबर बी क्या है, परिस्थितिकी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने बी बताया उनका राइट आंसर है परिस्थितिकी। यहाँ पर देखिए, परिस्थितिकी अंग्रेजी जो है इकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्या है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है सूक्ष्म जैविक या माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या वर्गिकी? तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, बताइए क्या है कांति जी इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका राइट आंसर होगा, वह है विकल्प नंबर आपका राइट आंसर है सी, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, सी आपका राइट आंसर है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है वह राइट आंसर है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, तो किसका वर्णन होता है इसमें आपके लिए यह बताना है, शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का या सिलिसिफाइड पादपों का या कवकों के संवर्धन का? तो चार विकल्प है और क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो रविंद्र पाटीदार जी क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएं राइट आंसर क्या है। और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग अवश्य जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर और इसका जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, बी आपका राइट आंसर होगा वन के विकास, वन के विकास का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। देखिए, सिल्वीकल्चर को हिंदी में वन वर्धन कहा जाता है, यह भी आपके लिए याद रखना है, सिल्वीकल्चर को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है, वन वर्धन। और वनों को लगाने, उसके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर कहलाता है, आपके लिए यह याद रखना है। और देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बीज,
पत्ती, फल या पराग कण। तो बताइए सभी लोग आंसर, चार विकल्प हैं आपके सामने, आरती जी, लाला बानो जी, के द्विवेदी जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? और इसका जो राइट आंसर होगा वह है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है आपके यहाँ पर विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बीज आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, बीज विकल्प नंबर एक। यहाँ पर देखिए स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है। और अगला क्वेश्चन है क्या है कि एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो सभी लोग यहाँ पर बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का? तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है किसका? आपको जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर सी, घासों का जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घासों का, याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका किया जाता है? पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, सभी लोग बताएं, चार विकल्प हैं आपके सामने, तो क्या है इसका राइट आंसर? नितिन जी क्या होगा इसका राइट आंसर कि फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? और तो आपका यहां पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वह है विकल्प नंबर बी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा भूमि का। भूमि का आपका यहाँ पर सही आंसर है कि फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान भी कहा जाता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? क्या होगा इस राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए सभी लोग। अनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली जो वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? भू वनस्पति विज्ञान या सेरिकल्चर, अनुवंशिकी या उद्विकास? तो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका राइट आंसर होगा, चार विकल्प हैं आपके सामने, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सी बताया है। तो अनुवांशिकी आपका यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही, अनुवांशिकी आपका राइट आंसर है। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता तथा जीवों की भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल की मूलभूत उपलब्धियों को आज अनुवांशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 25, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्गीकी? क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर। रामशंकर क्या है इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, क्या कहलाता है? वर्गीकी। वर्गीकी आपका राइट आंसर है, शैलेंद्र जी, वर्गीकी सही आंसर है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, अंग्रेजी में वर्गीकी के लिए दो शब्द जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, टैक्सोनॉमी तथा सिस्टेमेटिक्स को काल लिनियस ने जो है 1735 ईस्वी में, कब? 1735 ईस्वी में सिस्टेमा नातुराई
नामक पुस्तक सिस्टेमेटिक्स शब्द के आधार पर लिखी थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि फलों का अध्ययन कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या कहलाता है फलों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो क्या है, क्या होगा इसका राइट आंसर कि फलों का अध्ययन कहलाता है? हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर, स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 26 से यहां पर कि फलों का अध्ययन कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी आपका विकल्प नंबर डी यहां पर राइट आंसर होगा। डी यहां पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, पोमोलॉजी आपका सही आंसर होगा। पोमोलॉजी फल का अध्ययन होता है जिसमें फल के बारे में जानकारी दी जाती है, किसमें, पोमोलॉजी में। और अगला क्वेश्चन है पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या कहलाता है, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पोमोलॉजी या पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 27, चार विकल्प है आपके सामने, क्या होगा इसका राइट आंसर? और इसका जो राइट आंसर है कि पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, विकल्प नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? बी, क्या है, पेलिनोलॉजी आपका यहां पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रीति जी, विकल्प नंबर बी सही आंसर है। और यहाँ पर देखिए, पौधों के परागों और जीवाणुओं के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं, यह भी आपके लिए जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पर आपके लिए पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है यह बताना है, क्वेश्चन नंबर 28 का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी या एथनोबॉटनी? तो क्वेश्चन नंबर 28 के यहाँ पर राइट आंसर होगा कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, और इसका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है। क्या है? फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। फाइटोजियोग्राफी आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। यहाँ पर देखिए, पादप भूगोल या वनस्पति भूगोल जैव भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न वनस्पति जातियों के फैलाव के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें मौसम, भूमिय, समुद्री, स्थलाकृति, नदियों, झीलों और मिट्टी की उन परिस्थिति के अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव इन जातियों पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, यहाँ पर पौधे लिखे हैं, तो बताइए क्या कहलाता है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ऑलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर? चार विकल्प है और क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, बताएं सभी लोग, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पौधे रहते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, तो उनका अध्ययन यहाँ पर कहलाता है विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा, ऑलेरिकल्चर। ऑलेरिकल्चर आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है। शासकीय विज्ञान सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है, इससे किसान नगदी फसल के रूप में लेते हैं जो कि 2-3 महीने में ही पैदावार देने लग जाती है। इससे इसमें जो है भोजन के लिए आकाशीय पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। वार्षिकीय बलियों का अध्ययन कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन है यह आपका। तो सभी लोग आंसर बताएंगे, चार विकल्प है आपके सामने। क्या होगा इसका राइट आंसर, वार्षिकीय बलियों का अध्ययन कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह है, क्या है राइट आंसर है आपका, विकल्प नंबर
आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है बी, जिन्होंने भी बताया अशोक अहरवार जी, राम सिंह जी, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है। वृक्ष वलय कालक्रम किसी काष्ट के काल निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है और वृक्षों के वलयों के नमूने को विश्लेषण पर आधारित है। वृक्ष वलय कालक्रम द्वारा हम उस काल का निर्धारण कर सकते हैं जब कोई वलय निर्मित हुआ था। लकड़ी के कई प्रकारों में इसके द्वारा हम सटीक कैलेंडर वर्ष भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 30 क्वेश्चन लिए थे और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें एक बार। कीर्तन जी और दिनेश जी, रचना जी, उषा जी, भारती जी, कांति जी, रश्मि जी, नितिन जी, प्रीति जी, अश्विन जी, तो सभी लोग एक बार जो है वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। देखिए बहुत कम लोग जो है वीडियो को यहाँ पर लाइक करते हैं, भारती जी, तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। तो सभी लोग जो है वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। नितिन जी, शिवाजी, राहुल, सोनी जी, आरती जी, रविंद्र जी, साइली जी, तो सभी लोग जो है यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक कर लें और जो भी एम पी जेल प्रहरी के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं कीर्तन जी वह ग्रुप से भी जुड़ जाएं। 9098609291 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है तो आपके पास लिंक पहुंच जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े सभी लोग। के द्विवेदी जी, रविंद्र जी, शैलेंद्र जी, शिवाजी, कीर्तन जी, शिवानी जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोगों को सभी लोग वीडियो को जो है लाइक अवश्य कर लें और आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।